हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज बहुत छोटा सा एक कॉमन सा टॉपिक है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जो हम बहुत से बच्चों में देखते हैं, न्यू बॉर्न बेबीज़ में, नवजात बच्चे में देखते हैं कि उनके बच्चों के आँखों में पानी आ रहा है और आंसू, मतलब उनको लगता है कि बच्चे के आँखों में आंसू आ रहे हैं और क्यों आ रहे हैं। बट मैं आपको बता देती हूँ, जो न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं उनकी आँखों में आंसू नहीं आते हैं। अगर आपके बच्चे के आँख में पानी आ रहा है या मतलब बहुत सारी गिद्ध निकल रही है और डिस्चार्ज हो रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ऐसे क्यों होता है और ये कब ध्यान देना चाहिए? जैसे कि जब बच्चा पैदा होता है आपका, तो डेवलपमेंट उसका, जो आई साइट डेवलपमेंट होता है, वो बहुत स्लो स्लो चलता है, धीरे धीरे होता है। कई बच्चों का पहले डेवलपमेंट हो जाती है, वो मतलब ठीक हो जाती है बिल्कुल आंसू आने की प्रॉब्लम, और कई बच्चों की आंसू आने की प्रॉब्लम नहीं ठीक हो पाती है। तो क्या होता है, जो ये आई होती है, यहाँ पे एक वाहिनी, आंसू वाहिनी बोलते हैं उसको, मतलब टीयर डक्ट उसको बोलते हैं। तो उसका कहाँ से आता होता है टीयर, हमें यहाँ से लेके यहाँ से यहाँ का उसका रास्ता होता है। बट कई बच्चों में अगर आंसू वहीं पे कलेक्ट हो रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि बच्चे की आँख भरी भरी है पानी से बट बाहर नहीं आ रहा है, तो क्या नोट करना है हमने सबसे पहले, मतलब यहाँ पर क्या होता है, एक डक्ट होता है, आंसुओं का डक्ट होता है जो ब्लॉक हो जाता है, ताकि आंसू नीचे तक नहीं आ पाते हैं, तो बच्चे के आँख में ही जमा रह जाता है, तो इसे नुकसान हो जाता है। कैसे, कभी कभी सीवियर इन्फेक्शन होने का डर रहता है, क्योंकि अगर आंसू यहीं पे कलेक्ट है तो वापस आँखों में वापस जाएगा, अंतर आँखों के जाता है, तो इन्फेक्शन वहाँ पे बढ़ने लग जाती है, तो ऐसे गिद्ध निकलने लग जाता है, डिस्चार्ज होने लग जाता है येलोइश और ग्रीनिश कलर का, जो बच्चों में नहीं होना चाहिए। तो कई बच्चों में तो ये ठीक हो जाता है, कई बच्चों में ठीक करने के लिए हमारे पास ही उपाय होते हैं, मदर फादर के पास ही, घर पर ही हमारे पास उपाय होते हैं कि कैसे हम उसको क्योर कर सकते हैं। वैसे तो मेरे हिसाब से आप पीडियाट्रिशियन या फिर जो कंसल्टेंट हैं आपके, मतलब आपके बेबी को जो डॉक्टर देख रहे हैं, सबसे पहले आप उनसे बात कीजिए, कहीं उनको देख के ऐसा ना लगे कि ये कोई और प्रॉब्लम है जो आपको बता रही हूँ मैं। समटाइम होता है कि सीवियर प्रॉब्लम होती है, बाकी तो क्यूरेबल होती है, ठीक हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि जो टीयर डक्ट है वो ब्लॉक हो जाते हैं, तो आगे आंसू नहीं आ पाता है अपनी स्पेस पे। तो मैं आपको बताती हूँ इसे करना क्या होता है, आपने क्या करना है कि आपके बच्चे को ये प्रॉब्लम ना आए। सबसे पहले आपने यहाँ पर एक टिप है डक्ट का, जो एक टिप होता है, तो आपने बच्चे की, मतलब नोज तो बहुत छोटी होती है, तो थोड़ा ध्यान से करना होता है, ये सर्कुलर मोशन में इसको ऐसे ऐसे राउंड राउंड ऐसे ऐसे 4 to 5 times ऐसे ऐसे करके सीधा अपनी फिंगर ऐसे ही रखनी वहाँ पे, उसको ऐसे ले आओ, नीचे की ओर ले आओ। आपने 10 से 12 बार घर पे खुद से ही करना है बच्चे को, और इससे क्या होता है, आंसू आना बंद हो जाता है, बच्चे का जो गिद्ध आना वो भी बंद हो जाता है, और चिपचिपा पदार्थ भी नहीं आउट होता। तो इससे आप, मतलब बच्चा जब कॉन्शियस होता है, जाग रहा होता है, वो हाथ पैर मार रहा होता है, तो इससे बच्चे को हम नहीं कर पाते हैं। सबसे बेस्ट टाइम कौन सा होता है आपका, मतलब उसको, मतलब ये एक्सरसाइज करने का जो भी है मैंने आपको बताया है, तो ये कब कर सकते हो आप, जब फीड दे रहे हो बेबी को, आप अच्छे से अपनी गोद में बिठा के रख रहे हो, है ना, लिटाया हुआ है बच्चे को अपने पास, तो साथ साथ आप फीड देने, जब जब फीड दो, हर 2 से 3 घंटे बाद आप फीड देते ही हो, तो हर 2 से 3 घंटे बाद वो सेम एक्सरसाइज आप अप्लाई करते हो बेबी को, साथ साथ वो एक्सरसाइज करते रहो और फीड देते रहो, बच्चा भी कम्फर्टेबल रहेगा, आप भी कम्फर्टेबल रहोगे। और सेकेंड की बच्चे का, मतलब जो इन्फेक्शन भी कभी कभी बच्चे की आँखों में हो जाता है, अगर आंसू अंदर की ओर जा रहे हैं तो वो कलेक्शन होने लग जाती है, वहाँ पे बैक्टीरियाज बनने लग जाते हैं, तो बच्चे की आँखों के लिए सही नहीं होता वो, तो वहाँ पे क्या करना है, बच्चों की आँखों की क्लीननेस का भी ध्यान रखना है आपने। कैसे क्लीन करना है, आपने छोटे छोटे कॉटन बॉल्स लेने हैं आपने, और उबला हुआ पानी लेना है, वो थोड़ा सा लिक्विड वार्म होना चाहिए, मतलब हल्का सा गुनगुना होना चाहिए उबला हुआ पानी, तो उसमें आपने डिप करना है कॉटन को, अच्छे से सोकेज कर, मतलब सोकेज कर लेना है, थोड़ा सा सुखा लेना है उसको निचोड़ के। तो क्या करना है, आपने आइस को ऐसे लाइक दिस, इस वे से आपने क्लीन करना है, ताकि वो उसके जो पार्ट्स होते हैं, छोटे छोटे कन होते हैं वो कॉटन के, वो आईज पे अंदर, मतलब आई के अंदर ना जाए बच्चे को, और ज़्यादा इन्फेक्शन ना हो, तो आपने ऐसे ही करना है, मतलब एक जो कॉटन बॉल से एक ही आई पे यूज़ करना है आपने, दूसरी आई पे सेम कॉटन बॉल नहीं यूज़ करना है, ताकि इस यहाँ के इन्फेक्शन उधर ना चली जाए। तो आपने इन बातों का ध्यान रखना है, अंदर से आपने बाहर की ओर साफ़ करना है, ऐसे नहीं आपने साफ़ करना कि ऐसे लगे हुए हो आप, है ना, तो ऐसे इन्फेक्शन हो जाता है।
तो इन बातों का बस ये दो तीन बातों का ध्यान देना होता है घर पे ही आप, तो आप अपने बच्चे को देख सकते हो। और वैसे तो डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए क्योंकि कभी कभी सीवियर होता है जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है, बट इससे आप अपने बच्चे को जो आंसू आने की समस्या है, जो पानी आ रहा है आँखों में बार बार बच्चे की, तो इससे आप उसको ठीक कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट जरूर करना अगर आपको कुछ ना समझ में आया हो, ताकि मैं आपको उस टॉपिक पे दोबारा वीडियो बना के समझा सकूँ। थैंक यू सो मच।